नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने जिले दयानंद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए 107 एंटोनिम्स। ठीक है, ये एंटोनिम्स बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ईच वर्ड से अभी तक मैं 8 टू 10 बता रहा था, लेकिन मेरी जानकारी से ये गलत है। टोटल मैं आपको 10 टू 12 वर्ड बताने वाला हूँ, यानी एक अच्छा खासा बैकअप आपको मिलने वाला है। यदि मैं इस वीडियो के तहत 10 वर्ड भी आपको बताऊंगा और हर वर्ड से मैं आपको 12 भी वर्ड बता रहा हूँ ना, तो टोटल आपके सामने 120 वर्ड सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगी। और ये सारे वर्ड मैं आपको बताऊँ, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल होंगे, प्रीवियस ईयर का जो भी सवाल होगा जो एग्जाम में पूछा हो गया, मैं वो भी बताऊंगा कि देखो ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, उसके क्या आंसर आप मार सकते हो। ठीक है, तो एक छोटी सी शायरी के साथ इस सीरीज को शुरुआत करेंगे। और वो जो शायरी आपके बीच में मैं रखने वाला हूँ वो है कि मैंने, देखिए अब एपीजे अब्दुल कलाम की एक छोटी शायरी है, या पेन कैन डू मिस्टेक बट या पेंसिल कांट बिकॉज इट हैज ए गुड फ्रेंड इरेजर, है ना। ओनली अ ट्रू फ्रेंड कैन इरेज योर मिस्टेक्स एंड मेक यू परफेक्ट। तो ऐसे फ्रेंड की तलाश करिए जो आपके मिस्टेक्स को, आपकी गलतियों को पकड़े और उसके जगह पे आपको सही रास्ता दिखाए, ताकि आपकी जो नौकरी लेने की जो प्रेरणा, जिस तैयारी, जिस सपने के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जिस उद्देश्य के साथ, जिस तपस्या के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले। देखिए, स्केटर मतलब था बिखेरना, तो जमा करना का एंटोनिम क्या हो जाएगा, केदर। ठीक है, अब मैं इसमें सारे सारे एंटोनिम आपको एक साथ बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन इंटरनली आपके पास ना रहे। ठीक है, देखिए, एक पहला आप स्केटर लिख सकते हो। स्केटर मतलब क्या होता है, बिखेरना। डिस्पर्स भी एक वर्ड होता है, डिस्पर्स मतलब भी क्या होता है, बिखेरना। एक वर्ड होता है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल होता है ना, पानी से स्प्रिंकल करते हैं पेड़ पौधे पे, इसका मतलब होता है बिखेरना। अब जमा करने वाले में भी बहुत शब्द होगा, जैसे गैदर करना, कॉन्ग्रीगेट करना, कोग्लोमीरेट करना, कलेक्ट करना। देखिए, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह नहीं मेरे पास इसलिए, अमाश करना, असेंबल, ठीक है, असेंबल लिखिए, हीप लिखिए, हीप मतलब भी इकट्ठा करने से, पैसा वैसा हीप करते हैं, कचरा हीप हो जाता है, मस्टर करना, आप रैली भी देखे होंगे नेता लोग निकालता है तो भी क्या होता है, जमा करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं, आप सोचिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 वर्ड आपको इस छोटी सी सीरीज के साथ सीखने को मिला। मेरे को लगता है यदि आप इतना वर्ड भी याद करते हैं ना, बहुत हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में पूछा गया था रैक, रैक मतलब ये होता है बिखेर देना, है ना, तो इसका सिनोनिम हो जाता है स्कैटर, इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, स्कैटर, फैला देना। ठीक है, देखिए, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ हैरो, आप देखे होंगे कि खेतों में हम हल चलाते थे कुछ इस तरह का निशान आ जाता है, और फिर इसको हम लोग प्लेन भी करते हैं, तो प्लेन करने के लिए जो जुवाट का प्रयोग करते हैं ना, ये वाला जो प्लेन करता है मिट्टी को, इसको हैरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैरो बोलते हैं। एक वर्ड आपके सामने अस्कोर, अस्कोर मतलब होता है जाँच करना, अस्कोर मतलब जाँच करना, ठीक है, अस्कोर मतलब क्या हो जाता है, जाँच करना। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके, आप याद रखें। देखिए, एक सैनिम आपके सामने एग्जाम में जीडी तैयार का पूछा, डिस्पेल करना मतलब बिखेर देना, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, इसका सरनेम हो जाएगा, बाकी तो सारे क्या है, इसका सरनेम दिख रहा है और ये क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। देखिए, वैक्स एक्चुअली मोम को कहते हैं और इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं बनता है, है ना, कि वेन मतलब होता है पतन होना, वेन मतलब क्या होता है, पतन होना, जैसे अभी BSNL कंपनी है, क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, डूब रही है कंपनी, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री कभी थी वो भी क्या है, डूब रही। देखिए, अभी रिलायंस जो कंपनी है वो इसका है, मुकेश अंबानी का, लेकिन अनिल अंबानी का जो रिलायंस टेलीकॉम था डूब गया ना, बंद हो गया वो, तो वेन मतलब क्या होता है, डूबना, बंद होना, समाप्त होना। देखिए, अब इसका सिनोनिम एंटोनिम यहाँ ज़्यादा बनता है नहीं, मैं आपको कुछ होमोनिम्स बता देता हूँ। ये होमोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक वर्ड आपके सामने था वाइन, वाइन का सिनोनिम आप ग्रीप भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द बयां करना, चिल्ला कर विपत्ति बताना, विपत्ति बताना, ठीक, ये पहला वर्ड होता है। एक वर्ड आप लिख सकते हो वांटन, वांटन मतलब क्या होता है, किसी को परेशानी में डालना। जैसे आप समुद्र में गए नहाने और अचानक जो है लहर आ गया, तो परेशानी में चले गए ना, तो यू हैव पुट योर सेल्फ इन वांटन, है ना, कि आपने अपने आप को क्या किया, मुसीबत में डाल दिया। देखिए, वाइन मतलब शराब आप जानते होंगे, है ना, और वेन मतलब समय जानते होंगे,
ठीक है, इतने सारे वर्ड, एक यहाँ पे वर्ड आपको मिल रहा है विल, WAIL, विल। विल मतलब क्या होता है? विलाप करना। विल मतलब क्या होता है? विलाप करना, ठीक है। विल विलाप, विल विलाप, विल विलाप, मेल मिलाप नहीं, विल विलाप, ठीक है। देखिए एक वर्ड है कैन, कैन मतलब क्या होता है? छड़ी। कैन मतलब क्या होता है? छड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपके सामने रिसीट मतलब पीछे हटना, तो सरनेम हो जाएगा वन। बाकी ये सबका मैंने आपको मतलब बता दिया है, ठीक है। चलिए 20 नंबर 1 सवाल है, फार्स, और इसका जो सरनेम एंटोनिम होने वाला है वो है रियलिटी होने वाला है। तो फार्स मतलब क्या होता है? फार्स मतलब सिंपली होता है नाटक। फार्स मतलब क्या होता है? नाटक या ढोंग बोल सकते हो। फार्स मतलब क्या होता है? नाटक या ढोंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियलिटी हो जाएगा। नहीं, फार्स नाटक का ढोंग होता है, इसका क्या हो जाएगा? रियलिटी हो जाएगा। एक वर्ड एग्जाम कहीं पूछा हुआ है, बर्लेस्क्यू, 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 ठीक है। बर्लेस्क्यू, पैरोडी, पैरोडी। आप एक अच्छा बोलोगे VAU, डेविले, DIBBLE, डेविले, ये भी ये वर्ड है। आप दो तीन वर्ड और लिख सकते, सैम लिख सकते हो, अस्कीट लिख सकते हो, है ना, सैम्बल लिख सकते हो, सैम्बल, ठीक है। आजकल इलेक्शन में लोग, नेता लोग क्या सैम्बल क्रिएट कर देता है। सैम्बल मतलब नाटक या ढोंग इस हद तक कर देता है कि समझे नहीं आता है किसको वोट दे, है ना। एक वर्ड आप लिख सकते हो मोकरी करना, जोक करना। और एक फेमस वर्ड है ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी मतलब ही क्या होता है? नाटक करना, झोंक घोन। सर्कस में भी देखते हो, सर्कस में भी सब नाटक ढोंग करता है। कैरिड है ना, इसका भी मतलब ये हो जाएगा। एक वर्ड लिख सकते हो कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है, कैरिकेचर। अब मैं रियलिटी में आ जाता हूँ, तो रियलिटी आप लिख सकते हो ऑथेंटिसिटी, लिख सकते हो ऑथेंटिसिटी, भी लिख सकते हो सर्टेनिटी, लिख सकते हो कि कोई चीज़ सच में रियल है, एग्जिस्ट करती है। एक लिख सकते हो जेन्युइननेस, लिख सकते हो जेन्युइन, लिख सकते हो, है ना, जेन्युइन लिख सकते हो। और एक ट्रूथ लिख सकते हो। आप देखो आपको कितने वर्ड सीखने को मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने 12 वर्ड आपको एक वर्ड से सीखने मिला। देखिए इसमें ढोंग और नाटक को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी शायरी के समझाता हूँ कि मैंने 500 का पुराना नोट भगवान को चढ़ाया, कि मैंने 500 का नोट पुराना नोट भगवान को चढ़ाया, पुजारी भड़क गया है, भड़क गया, ये नहीं चलेगा। भाई मैंने तो भगवान को दिया है, तू क्यों भड़क रहा है? ये ढोंगी है ना, कि मंदिर में जा रहे हो, 500 का चढ़ावा चढ़ा रहे हो पुराना वाला नोट, और पंडित बोल रहा हो कि यार ये नहीं चलेगा। आप चढ़ाते हो जो पैसा, वो तो भगवान जी को देते हो, पंडित को तो देते नहीं, है ना। तो वो पंडित क्या कर रहा है? ढोंगी तो कर रहा है, भगवान के नाम पे खुद का जेब भर रहा है, समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फारस वाला तो मैंने बता दिया आपको। एक वर्ड है ट्रिम। ट्रिम मतलब क्या होता है? विजय होना। ट्रिम मतलब क्या होता है? विजय होना, ठीक है। तो अब देखिए सीजल, सीजल 23 में भी ये वर्ड पूछा गया, सीजल 17 में भी पूछा गया, ठीक है। दो दो बार रिपीट हुआ ये वर्ड, तो जानना पड़ेगा कि ट्रिप मतलब होता है जीत, और हार का क्या हो जाएगा? यदि एंटोनियम आप पढ़ रहे हो तो डिफीट इसका हो जाएगा, सक्सेड तो इसका सरणिम हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता जितना भी वर्ड बनता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लिखिए पहले ट्रिप। ट्रिप मतलब क्या होता है? विजय होना। विक्ट्री लिख सकते हो, है ना, विक्ट्री लिखिए। वैंक्विश लिखिए, वैंक्विश लिखिए, विन लिखिए, कवनक्विस्ट लिखिए, कितने सारे वर्ड हैं। अचीवमेंट लिखिए, अचीवमेंट लिखिए, सक्सेस लिखिए, सया सक्सीड लिखिए, है ना, इतने सारे आप लिख। डिफीट लिख सकते हो, लॉस लिख सकते हो, फेल लिख सकते हो, सरेंडर लिख सकते हो। तो ये इतने सारे वर्ड आपके होते हैं जीत और हार के, ठीक है। देखिए एक छोटी सी शायरी इसमें भी आती है कि सब कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन आपकी उम्र तो अभी 25-26 साल है, तो मतलब आपके अमर हैं क्या? आप जीत गए क्या जंग? नहीं, आपको लड़नी है ना। मजाक था, मजाक को मजाक में ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए स्ट्रीम मतलब जीतना होता है, तो सोरो मतलब हारना भी हो जाएगा, तकलीफ हो जाता है ना। क्रेस्ट फॉलेंट मतलब क्या हुआ? हार गया। क्रेस्ट फॉलेंट मतलब हारना, तो जीतना क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए एक वर्ड आपके सामने यहाँ पूछ, देखिए सब पूछा हुआ सवाल था, है ना। ये सवाल आता है 23 नंबर, पढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब होता है मोटा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? मोटा। और इसका पतला क्या क्या हो जाएगा? अस्ट्यूट। देखिए मोटा आदमी भी होता है और मोटा लोग दिमाग से भी होता है ना। मोटा दिमाग से मतलब क्या है? डल है, ठीक है। तो बस उसी से मिलता जुलता जितना भी वर्ड, ऑब्ट्यूज लिख सकते हो, फैट लिख सकते हो, थीक लिख सकते हो, है ना, डल लिख सकते हो, और एक लंपिस लिख सकते हो, है ना, जिसका पेट बाहर बहुत लंप लंप करता है, लंपिस। आप एंटोनी में
पतला का फैट थीन लिख सकते हो, एस्ट्यूट लिख सकते हो, है ना। और एक स्रीट मतलब चलाक भी लिख सकते, डल है इधर तो इधर क्या जाएगा, चलाक है ना, स्रीट है ना। आप क्लीवर भी वर्ड ऐड कर सकते हो। तो इतने सारे वर्ड हैं आपको जो इसमें आपको सीखने को मिले, है ना। देखिए किसी को भी मोटा पतला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। किसी से को भी मोटा पतला ऐसा है बेवकूफ है सब कभी मत बोलना चाहिए। क्यों, देखिए एक चीज ऐसे कहा जाता है कि मीठा बोले नर्म रहे करे सभी से स्नेह, मीठा बोले नर्म रहे करे सभी से स्नेह, कितने दिन का जीवना कितने दिन की देह, ठीक है। तो वही है कि ज्यादा जीवन है नहीं, कम ही जीवन है, और उस जीवन को भी किसी के शिकायतों से बर्बाद मत कीजिए, पूरी मेहनत और तन मन धन इच्छा से कीजिए। चलिए देखिए एक वर्ड आपके सामने, आप फिल्दी, फिल्दी मतलब होता है गंदा, फिल्दी मतलब क्या होता है गंदा। मुझे एंटोनिम ढूंढनी है तो मैं क्लीन ढूंढूंगा, ठीक है, समझ गया। तो अब मैं इसे जुड़े जितने भी श्रेणी में एंटोनिम बन सकते हैं मैं आपको सारे बताता हूँ, एक साथ बताऊंगा और पूरी मेहनत पूरी ढीढ़ निश्चय के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो एक तरफ मैं हेडिंग देता हूँ गंदा और एक तरफ मैं हेडिंग देता हूँ साफ। मैं पहले आपको साफ वाला सारा बताता हूँ ताकि आप समझ सकते कि एक क्लीन होता है, एक स्क्रब होता है, बर्तन को क्या करते हो स्क्रब करते हो ताकि वो साफ हो जाए। इमाकुलेट होता है, इमाकुलेट मतलब ये गंदगी छोटी सी भी गंदगी नहीं है, प्रिस्टीन भी ले सकते हो। जो प्रिस्टिक प्रिस्ट लोग होता है वो बहुत प्रिस्टीन होते हैं, मतलब बहुत साफ सुथरे होते हैं, फ्रेश होते हैं। सैनिटरी पैड भी ले सकते हो, सैनिटरी मतलब क्या होता है साफ, ठीक है। अब इतना सारा साफ सुथरे में वर्ड है, अब गंदगी में देखता हूँ। पहले सुनने आपका वर्ड आता है फिल्दी, है ना, डर्टी। अब देखिए तीन वर्ड लिखिएगा, मडी मडी मरकी, है ना, मडी मरकी। बस दो वर्ड आपके इसके एम से हुआ, एक हुआ अस्क्वालिड। अस्टेनो 2019 का सवाल है, अस्टेनो 2019 का सवाल है अस्क्वालिड। अस्क्वालिड मतलब क्या होता है, गंदा करना। फूल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, मतलब व्यवस्था को गंदा करना। सेबी आप लिख सकते हो, सेबी सेबी मतलब ये होता है गंदा करना, है ना। सेबी मतलब क्या, डिंगी, डटी और डिंगी दोनों वर्ड लिख सकते हो, डटी और डिंगी ये दोनों वर्ड। देखिए फिल्दी हो गया, डटी डिंगी हो गया, मडी मरकी हो गया, स्क्वालिड हो गया, सेबी हो गया, फाउल हो गया, इतने सारे वर्ड आप ये क्या है गंदे से रिलेटेड। देखिए स्क्वालिटी ये मैंने बताया था अभी, अस्टेनो 19 का सवाल है, और अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो आपका 2.5 नंबर सही मिल जाता है ना। अगर आप इस एग्जाम में गलती करके आए हैं तो फिर नंबर कटेगा भैया, है ना। तो अस्क्वालिटी मतलब क्या होता है गंदा, तो फिल्दी क्या इसका सरणिम हो जाता, एंटोनिम बात हो क्लीन हो जाता है ना, ठीक है। चलिए इसको चलिए आगे 25 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है एक्सपीरियंस, लर्नड, एक्सपीरियंस्ड, लर्नड, है ना, लर्नड, है ना। और भी आप वर्ड जोड़ सकते हो, शोवी शोवी लिख सकते हो, अर्बन लिख सकते हो, मिलते जुलते वर्ड है। और भी यदि आप लिख रहे हो तो नॉलेजेबल लिख सकते हो कि जिसको जानकारी होता है। देखिए सिस्टम भी कई बार सोफिस्टिकेटेड होता है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम कहने का मतलब ये है कि वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैच्योर है ना, डिबोनेयर है, जिसको काम करने की व्यवस्था को बहुत ढंग अच्छे ढंग से काम करता है, डिबोनेयर बोलेंगे उसको, ठीक है। इनलाइटिन करना, ये भी आपके सामने एक वर्ड हो सकता है, इनलाइटिन करना। इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड थे सोफिस्टिकेटेड, आपको एंटोनिम ढूंढना था, प्रिमिटिव इसका क्या होता शुरुआती। अब एंटोनिम की बात करूं तो आप नेव लिखिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। एक वर्ड आपके पूछा गया था एग्जाम में, क्रूड तो लिखी सकते, एक वर्ड है कैरो, कैरो कैरो पैरो पैरोट नहीं, कैरो 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 क्या है, CPO 17 के तहत पूछा गया सवाल था। कैरो मतलब ये होता है जो इमेच्योर है, क्या है कैरो किसको बोलते हैं, जो इमेच्योर है, इमेच्योर को क्या बोलते हैं कैरो, CAROW कैरो, इमेच्योर। इनोसेंट भी लिख सकते हो, इनोसेंट भी लिख सकते, और एक नियोफाइट लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, नियोफाइट, है ना। इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं इस सबसे, देखिए कितने वर्ड मैंने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 वर्ड्स आपको एक वर्ड से सीखने को मिला। इस सब ना रोज रिवीजन कीजिए, अगर आप मेरी वीडियो भी एक ठान लेते हैं कि दयानंद इंग्लिश की जो वीडियो जाए मैं कम से कम एक वीडियो रोज देखूंगा, तो आपके सामने 120 वर्ड तो मैं सरोनी मेंटोनी में यहीं याद करवा दूँ, है ना, समझो। बस आप एक टारगेटेड अप्रोच के साथ पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए पढ़ाई के साथ हंसना भी जरूरी है, पढ़ाई पढ़ाई के साथ हंसना भी जरूरी। देखिए छोटी सी सारी बोलता हूँ, हंसिए मिलिए बातें करिए रूठने से क्या होगा, हंसिए मिलिए बातें करिए रूठने से क्या होगा, ना तुम जानो ना हम जाने कब 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 क्या आखिरी बार होगा, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ जो है ना कभी आखिरी बार वाला स्थिति मत कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए जिंदगी में, ठीक है। तो देखिए केलो के बारे में मैंने बताया था, CPO 17 का सवाल है और इसका एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। चलिए
26 नंबर से देखिए, इफरवेसेंट का मतलब समझिए, को उत्सुक होता है, को ऊर्जावान होता है ना, उत्साहित होता है, इसका मतलब ये होता है इफरवेसेंट का। तो एक सवाल इफरवेसेंट का यहाँ एंटोनिम हो जाएगा सबड्यू, मतलब जो उत्सुक उत्साहित नहीं हो, जो ऊर्जावान नहीं है, जो किसी के अधीन है, जो किसी के संग रह के, इफरवेसेंट सीजल 17 में भी चलिए, तो यहाँ पर भी मतलब ऊर्जावान है, ताकत अस्टेल मतलब क्या बासी है, कोई ताकत नहीं है ना। पहले लोग माड़े भात खा के बहुत ताकतवर रहता था, क्योंकि अपनी जरूरत के हिसाब से एनर्जी कंज्यूम करता था। आजकल हम इतने इतने चीजें खा लेते हैं कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी पैदा कर देते हैं, तो जिससे शरीर में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, समझो। चलिए तो अब इसके सारे सरणी में एंटोनी में बताता हूँ, और मेरा भरोसा है कि जो मैं टारगेट रिकॉर्ड आपके बीच में हमेशा रखता था, कि अभी तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं एक वर्ड का मैं 18 वर्ड बताया हूँ। अभी तक मेरा वर्ड रिकॉर्ड रहा है कि मैं एक वर्ड का 18 वर्ड मैक्सिमम बताया हूँ, पर मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है ना वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अर्डेंट एक वर्ड आपके सामने जाए, अर्डेंट लिखिए, ईगर लिखिए, दोनों का मतलब उत्सुक होता है। आप एक अर्निंग लिख सकते हो, अर्निंग ध्यान से लिखते चलिए, ध्यान अर्निंग लिख सकते हो। एक इम्पेशेंट लिख सकते हो, जो बहुत उत्सुक है, यार क्या होगा नहीं होगा करेंगे ये। तीन वर्ड मैं जे से लिखाता हूँ, हमेशा लिखाता हूँ आपको, जोआईएस लिखाता हूँ, जोवियल लिखाता हूँ, और एक वर्ड आप बोलिए जुबिलांट भी लिखाता हूँ, है ना, क्या लिखाता हूँ, जुबिलांट, ठीक है। एक बेंटर मतलब होता है हंसी मजाक करना। एक मैंने आपको बताया था कि यदि जड़ वाला आ जाता है ना जलस, ये सीजल 23 का पूछा हुआ सवाल है, और एक जे होता है उसका मतलब होता है ईर्ष्या। एक वर्ड एग्जल्टांट मैंने आपको बताया था, और ये बताया था कि ये सीपीओ 2019 का सवाल है, सीपीओ 19 का सवाल है। एक मैं अभी अब एग्जाम में आ गया इफरवेसेंट, 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 इफरवेसेंट आ गया। एक विवासियस मतलब ही होता है ऊर्जावान होना, पूरा ऊर्जा ताकत भरा होना। अब इसका एंटोनिम में चिंतित बोल सकते हैं कि चिंतित है भाई, उत्साहित नहीं है, थोड़ा शोकाकुल है, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, एंकियस लिख सकते हो, वरिड लिख सकते हो, है ना, एंकियस वरिड लिख सकते हो, अफ्रीड लिख सकते हो, डरा हुआ है, रेस्टलेस लिख सकते हो, है ना, रेस्टलेस लिख सकते हो, कंसर्न लिख सकते हो कि चिंतित होना। देखिए तीन वर्ड और होते हैं, एक वर्ड है आपके सामने फ्राउट, एक वर्ड आपके सामने है डिस्ट्राउट, डिस्ट्राउट, फ्राउट, डिस्ट्राउट, एक वर्ड लिखिए अनर्व, ये भी एक अच्छा वर्ड आपके सामने, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए इफरवेसेंट का एक वर्ड लिखा था सबड्यू एंटोनिम में, और विवासियस का एंटोनिम हो जाएगा आपका लिख लीजिए इफरवेसेंट में ही, जो सीजीएल 2017 में पूछा गया उसका मतलब है स्टेल। अब काउंट कीजिए कितने वर्ड मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई वर्ड है कि मैंने एक वर्ड का सरणी मरणनेम आपके बीच में टोटल 23 वर्ड्स के साथ डिस्कस किया है। ये खुद में बहुत बड़ी बात है, और टारगेट लेकर चलते हैं कि इससे भी बेहतर बेहतर अच्छे अच्छे वर्ड हमको बाद में सीख करे। आप सोचिए कई टीचर है पटना में या कई स्टूडेंट भी है, रोज दिन में 10-10 वर्ड याद करते हैं, आप एक ही वर्ड का 23 वर्ड याद कर लियो सोच रहे हो, और वो भी ऐसा सवाल मैंने आपको बताया जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, है ना, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। देखिए अनकंफर्टेबल एक वर्ड है, और इस वर्ड को पढ़ाने के दौरान मैं खुद भी अनकंफर्टेबल हूँ, तो इजी फूल हो जाएगा इसका सरनेम, है ना, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है कि ज़्यादा हर वर्ड का आप सरनेम बटन, कुछ वर्ड फालतू हो जाते हैं और उसको फालतू फालतू में ही निकाल देना चाहिए। देखिए एक वर्ड आपके सामने इलेक्विंट, जो बहुत अच्छा बोलता है, आपने एक एंटोनिम सुना, एक फ्रेज सुना होगा गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये जो इडियम्स है वो जीडी 23 में भी पूछा गया, सीजीएल 23 में भी पूछा गया, और इसका मतलब सिर्फ होता है इलेक्विंट, कि जो बोलने में सच्चा है। आप फ्लुएंट भी एक वर्ड लिख सकते हो, है ना, आप गैप भी लिख सकते हो, जो बहुत अच्छा गैप कैप करता है, जैसे कपिल शर्मा क्या है, वो गैप है। एक्सप्रेसिव आप एक वर्ड लिख सकते हो, आर्टिकुलेट लिख सकते हो, ये सारे क्या है सरणिम है इसके। एंटोनी मतलब जो बोलने में सक्षम नहीं है, आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, है ना, इम्पोर्टेंट, इग्नोरांट लिख सकते हो, इग्नोरांट, है ना, ठीक है। एक इडियम सी जीडी 23 का पूछा हुआ सवाल था, बुल्स माउथ होना, बुल्स माउथ, है ना, कुछ इसी तरह है ये माउथ ऑफ द बुल या बुल्स माउथ। बुल्स माउथ होने का मतलब सिंपल है कि जो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा समझ में नहीं आता है, मतलब क्या है इंपॉर्टेंट है बोलने में सक्षम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक इडियम सी है बुल्स माउथ, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जीडी 23 का पूछा हुआ सवाल है, जीडी 23 या सीजीएल 23 दोनों में से एक होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन यही दोनों में से कोई एक ये होगा, ठीक है। तो इलोक्वेंट मतलब जो बोलने में कुशल है, तो इसका यदि आप तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आराम से, है ना। देखिए आर्टिकुलेट एक बार पूछा गया था, आर्टिकुलेट जो बोलने में सच्चे में अच्छा बोलता है, तो अनक्लियर बोला।
देखिए डिसग्रेस एक वर्ड है और यहाँ पर इसका सरनेम होने वाला है ओनर, तो ओनर सम्मान होता है और डिसग्रेस मतलब शर्मिंदगी होता है। डिसग्रेस मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी। ओनर मतलब सम्मान होता है, सरणी शर्मिंदगी होता है। देखिए एक और सवाल सीपीओ 2016 में पूछा गया है, डिबाउच सीपीओ, इसका भी मतलब होता है बेइज्जती, शर्मिंदगी है ना, डिबाउच करना। ठीक है, आई वॉज डिजॉर्व ही, इट हैज बिन डिबाउचिंग, ही इज डिबाउचिंग मी, मतलब वो क्या मेरा निरादर कर रहा है ना। तो डिबाउच सीपीओ 2016 का सवाल है, इसका सरणी हो जाता है ऑनरेबल है ना। देखिए सीजीएल 2017 में भी पूछा गया सवाल है, डिफाइल करना, किसी को शर्मिंदा करना, तो सरनेम क्या? ऑनर हो जाता। नहीं, एक वर्ड आपका डिबॉच हो गया, डिफाइल हो गया, दो वर्ड तो आपको यहीं से सीखने मिल गए। तो आप यहाँ पर वो सारी वर्ड लिख सकते हो, डिबॉच लिखिए, अरे डिबॉच सीपीओ 16 का सवाल है, डिफाइल लिख सकते हो, सीजीएल 17 का सवाल है ना, और भी वर्ड मिलते हैं तो मैं लिखता हूँ, बाकी और यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। ओनर लिख सकते हो, प्राइविलेज लिख सकते हो, है ना। देखिए कई बार स्पेलिंग में कल भी बताया था कि यहाँ डी दे देता है, ध्यान रखिएगा डी नहीं होगा। ग्लोरी होता है, ट्रिब्यूट हम लोग किसी को देते हैं, है ना, क्या देते हैं? ट्रिब्यूट देते हैं। एक वर्ड होता है कुडोस, कुडोस मतलब भी वाओ, कुडोस मतलब क्या, सम्मान मिला हुआ है उसको, है ना। एक कैसेट, कैसेट देखिए कई बार सामान में मुहर मिल जाता है तो वो कैसेट बोलते हैं उसको, है ना। तो इधर हो गया, आप इधर लिख सकते हो, देखिए डिबॉच हो गया, डिफाइल हो गया, है ना, और एक आपका जो समन पूछा दिया था, वर्ड ही दिया था डिसग्रेस, डिसग्रेस है ना। तीन वर्ड तो यहाँ आएगा, डिफेम भी लिख सकते हो, चार वर्ड तो इसी से हो गए शर्मिंदगी के, डी 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 डी। देखिए डिफेम है तो सेम भी आप एक वर्ड लिख सकते हो, SHAME सेम, है ना, सेम भी लिख सकते हो, डिबॉच भी हो गया, इग्नोमिटी लिख सकते हो, इग्नोमिटी, इग्नोमिटी मतलब शर्मिंदगी होता है, इग्नोमिटी, इग्नोमिटी लिख। इतने सारे वर्ड आपके क्या है, समान और बेइज्जती से, शर्मिंदगी और बेइज्जती समान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 वर्ड आपको इसमें से सीखने मिले। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इस वीडियो की लास्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। और फ्रूगल, बहुत बार एग्जाम में फ्रूगल मतलब होता है खर्चीला। फ्रूगल मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करता है, खर्चीला नहीं, जो कम खर्च करता है। फ्रूगल मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करता है। ठीक है, तो मैं देखिए प्रूडेंट भी पूछा हुआ था, जो थोड़ा वाइज होता है। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? वाइज होता है, समझदार होता है, मतलब कम खर्चा करता है। तो यदि सरणी पूछता तो फ्रूगल हो जाता है ना, सरणी पूछता तो क्या होता, फ्रूगल हो जाता। तो सरणी एंटोनी पूछता, सरनेम पूछता फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या होता है? कम खर्च करने वाला। तो इसका क्या प्रूडेंट क्या इसका सरनेम बन जाता? नहीं, सीजीएल 17 का सवाल था ये। थ्रिप्टी मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, थ्रिप्टी मतलब क्या होता है? कम खर्चा करने वाला। तो सरनेम इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम क्या बन जाएगा? फ्रूगल। थ्रिप्टी मतलब देखिए, थ्रिप्टी मतलब कम खर्च, और एक और था स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है खर्चीला। स्पेंड थ्रिप मतलब क्या होता है? खर्चीला। और अथ्रिप्टी मतलब क्या होता है? कम खर्च करने वाला। तो समथिंग फ्रूगल सीजल 18 का सवाल है। ठीक है, आप पार्सिमोनी भी मतलब कंजूसी लिख सकते हो, सर ने पूछता तो फ्रूगल हो जाता। नहीं, सीजीएल 2015 में भी पूछा गया सवाल है आपका कि इस फ्रूगल आदि उसका क्या हो जाएगा, माइजरली इसका सरनेम हो जाएगा, ये फ्रूगल का इकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। देखिए ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, समझो, इसलिए इकोनॉमिकल होगा। देखिए एक्स्ट्रा वेगन मतलब जो ज़्यादा खर्च करता है, कम खर्च करता है तो क्या? फ्रूगल हो जाएगा। जी डी तैयस का ही पूछा हुआ सवाल है, माइजर मतलब कम खर्च करता है, एंटोनी में पूछा था, स्पेंड थ्री मतलब क्या होता है? खर्चा। और ये तीनों वर्ड जो आपका है ना, अस्किन फ्लिंट भी लेकर, अस्किन फ्लिंट भी लेकर, ये सारा तीनों वर्ड जो है आपका, इसका फ्रूगल का सरणी हो जाएगा ना। अस्किन फ्लिंट आप लिख सकते हो, अस्किन फ्लिंट, और एक आपका थ्रिप्टी। तो ये वर्ड मेरे में नहीं लिखा था, मैंने वापस लिख दिया है। और तो इतने सारे वर्ड हैं, और मैं चलिए इसका सरणी मेंटोनी में आपको एक साथ बताता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो आप पहला फ्रूगल लिखिएगा, फ्रूगल लिखिएगा, माइजर लिखिएगा, है ना, फ्रूगल लिखिएगा, माइजर लिखिएगा, इकोनॉमिकल लिखिएगा, इकोनॉमिकल लिखिएगा, आप थ्रिफ्टी भी लिखिएगा इसमें, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। ठीक है, आप प्रूडेंट लिखिए, प्रूडेंट, पार्सिमोनियस, पार्सीमोनियस, है ना, पार्सीमोनियस हो जाएगा। तीन वर्ड जो जीडी ताइस के तहत लिखा गया था, पहला था आपका स्क्रूज, स्क्रूज है ना, स्क्रूज लिखिए, और एगो टाइट वर्ड लिखिए, टाइट वर्ड जो कम खर्च करता है, और एक वर्ड है अस्किन फ्लिंट, अस्किन फ्लिंट। ये तीनों जीडी ताइस का सवाल है, तीनों जीडी ताइस का सवाल है, उसी में पूछा गया था।
तो इतना सारा वर्ड जो आपके होते हैं, आप सेल्फिश पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो, सेल्फिश, ठीक है, तो इतना सारा सरनेम हुआ। अब जो ज्यादा खर्चा करता है उसका क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं, तो लग्जरी लिख सकते हो, लग्जरी लिख सकते हो, लैविस लिख सकते हो, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, लैविस लिख सकते हो। देखिए थ्रिफ्टी था तो स्पेंड थ्रिफ्ट लिख दीजिए, जो बहुत खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा ना। प्रोडिगल होता है, देखिए प्रूडेंट होता है, यहाँ प्रोडिगल लिख दीजिए, दोनों उल्टा हो जाएगा। प्रोडिडेंट, प्रोडेंट मतलब समझदारी से खर्च करता है, प्रोडिगल मतलब जो ज्यादा खर्च कर देता है ना, गिनती ये नहीं है। आप दो वर्ड और लिख सकते हो, बोंटीफुल, बोंटीफुल मतलब भरा पड़ा है, और कॉपियस मतलब भी बहुत ज्यादा है ना, बोंटीफुल कॉपियस। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक वर्ड छूट गया आपका, एक्स्ट्रा वैगन्स है ना। तो कितने वर्ड हुए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 17 वर्ड है। और हमारा जो मैक्सिमम वर्ड अभी तक गया है वो गया है 23, ठीक है। तो इस वीडियो का सीरीज का यही अंत करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ कि सीख ना पाए हम मीठे झूठ का हुनर, सीख ना पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। लोग कई बार झूठ में इतने खो जाते हैं कि कड़वा जो सत्य है जिंदगी का उससे अनभिज्ञ होते हैं और उसके चक्कर में लोग से नफरत करने लगते हैं, ठीक है। धन्यवाद, रखते हैं।